हे गाइस दिस इज पटेल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटर्नशिप के बारे में। तो यार मैंने जो पिछली वीडियो डाला था उसमें मैंने पूछा था कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इंटर्नशिप को लेकर, हमें किस तरह से एक नूब टू प्रो बंदा बनना है इंटर्नशिप को लेकर। तो यार बहुत सारे लोग के कमेंट्स आए थे, ठीक है। तो मेरे को लगा यार कि इस पे क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि भी भाई की इंटर्नशिप भी लगी है, ठीक है, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैंने सोचा कि यार चलो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तुम्हारे साथ, ताकि यार तुम्हें भी थोड़ा सा आइडिया लगे, ठीक है, क्योंकि यार इंटर्नशिप करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यार देखो कोई भी बंदा अगर कॉलेज में आता है ना तो उसका मेनली तीन टारगेट रहता है, ठीक है। तो जो सबसे पहले टारगेट है वो यही रहता है यार कि कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करें, और जो दूसरा चीज होता है कि यार हमें कहीं ना कहीं अच्छी इंटर्नशिप लग जाए, और जो तीसरा टारगेट होता है कि यार हमें फाइनली अच्छी प्लेसमेंट लग जाए ताकि मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकूं, अपनी फैमिली को रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट दे सकूं, ठीक है। हाँ तो भाई कुछ लोग का चौथा टारगेट भी होता है कि भाई कॉलेज में आए हैं आप, मुझे एक सुंदर कन्या मिल जाए, अपनी नैया पार हो जाएगी, बस लाइफ सेट हो जाएगी, मजे रहेंगे भाई लाइफ में। कुछ लोग के चौथे टारगेट भी होते हैं। तो यार ये वाला जो टारगेट है ना, ये वाला टारगेट यार कोई गलत टारगेट नहीं है, ठीक है, बट प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और कम्युनिकेशन स्किल अगर तुम्हारी ये सारी चीजें सेट हो चुकी हैं प्रॉपरली, तब तुम यार जा सकते हो फोर्थ टारगेट के ऊपर। ये टारगेट कोई गलत नहीं है, बट टाइम के हिसाब से करना वो चीज ज्यादा डिपेंड करता है। तो यार चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन यार प्लीज। चैनल पे नया आया तो यार प्लीज सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। ओके तो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टारगेट नंबर वन क्या होना चाहिए, ठीक है। हमें सबसे पहली चीज इंटर्नशिप करनी होती है, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन स्किल वगैरह होती है ये तो यार पूरे तुम्हारे कॉलेज जर्नी में चलती रहती है, ठीक है, वो डे बाय डे इंप्रूवमेंट होती रहती है। अब यार बहुत सारे लोग को ये नहीं पता होगा कि इंटर्नशिप होती क्या है, इसमें बेनिफिट क्या होता है, मैं क्यों करूं इंटर्नशिप, ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में डाउट हो सकता है, ठीक है। बट इंटर्नशिप में क्या होता है कि तुमको कुछ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड मिलता है, ठीक है, जैसे कि 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, इस टाइम ड्यूरेशन में तुम्हें उस कंपनी के साथ काम करना होता है, ठीक है। अगर तुम्हारा काम उस कंपनी वाले को पसंद आ गया तब तुम्हें वो पीपीओ दे देता है। भैया पीपीओ क्या होता है? पीपीओ होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर। भाई इससे बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यार देखो सेकंड ईयर में तुम्हारी इंटर्नशिप लगी। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट का, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट होता है कि मैं पीपीओ भी मिल सकता है, ठीक है, उस कंपनी में। और दूसरा जो बेनिफिट है कि वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है, टीम के साथ किस तरह से प्रॉपरली काम करना चाहिए वो चीज तुम्हें आता है। नेक्स्ट बेनिफिट है इंटर्नशिप करने पे तुम्हें पैसे भी मिल रहे होते हैं, तुम्हारा खर्चा वर्चा निकल जाता है, ठीक है, कॉलेज का इंटर्नशिप करते हो तो। ये तो समझ में आ गया कि बेनिफिट्स क्या क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं यार कि स्किल्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। इंटर्नशिप करनी तो है लेकिन यार हमें पता नहीं है कि कौन से फील्ड में करना है। बिफोर स्टार्टिंग टू एनीथिंग यू मस्ट बी नो Where we have to go and what are our destination, right? ये चीज तुम्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें सबसे पहले डिसाइड करना होगा नीच, ठीक है। नीच क्या है? अलग अलग फील्ड्स होती हैं यार इंटर्नशिप की। मैं कुछ एग्जांपल तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारे अलग अलग फील्ड्स हैं यार। अगर तुम्हें इन फील्ड्स में नॉलेज है किसी एक भी फील्ड्स में तो तुम उस फील्ड में इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यार इन अलग अलग फील्ड्स की जो स्किल्स हैं उसको सीखना कैसे, ठीक है, और सीखेंगे तो यार किस लेवल पे हमें सीखना पड़ेगा। क्या एकदम से एडवांस वाली चीजें करनी पड़ेंगी या बेसिक कर लेंगे उससे भी हो जाएगा। ये तुम्हें बेसिक चीजें अगर आती है ना तब भी तुम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि यार अगर हम कोई भी एक स्किल लेते हैं तो उसमें टाइम कितना लगेगा। देखो टाइम तो ऐसा कुछ खास है नहीं, बट यार 1 मंथ तुम अपने आप को लगा सकते हो किसी भी पर्टिकुलर स्किल्स में, यार 1 मंथ तो दे ही सकते हो, ठीक है। मतलब डेली यार 1-1 घंटे दोगे ना, आधा घंटे, तब भी यार सेकंड ईयर में आते आते तुम्हारे पास एक स्किल हो जाएगी जिसमें तुम इंटर्नशिप कर पाओगे इजीली। लेट मी टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर्नशिप, राइट। तो यार जो पहली टाइप ऑफ इंटर्नशिप होती है, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि भैया मेरे यहाँ आके इंटर्नशिप कर लो तुम और तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये खेल है कि दे आर नॉट पेइंग यू, यू आर पेइंग देम, राइट। तो ये वाले इंटर्नशिप कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। इसमें बहुत सारा स्कैम चलता रहता है गाइस, तुम अपना टाइम बर्बाद करोगे। तुम ये मान के चलो कि जैसे एक कोर्स सेलिंग होता है ना, कोई भी बंदा अपना कोर्स बनाता है, उसको लॉन्च करता है मार्केट में और उसको सेल करता है, सेम इसी तरह ये वाले इंटर्नशिप है कि जो कंपनी है यार तुमसे पैसे मांग रही है और जब उस कंपनी में जाओगे इंटर्नशिप करने तो वहाँ पे तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें सिखाएंगी, वो भी पता नहीं भाई किस लेवल पे सिखाती है, मेरे को नहीं आइडिया, ठीक है। तो ये वाले इंटर्नशिप भाई अवॉइड कर देना है, ठीक है, इसमें तो कभी भी नहीं जाना। सेकंड टाइप ऑफ इंटर्नशिप ये होती है कि यार कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो तुमसे ना तो पैसा लेती हैं ना वो पैसा देती हैं, ठीक है। तुम 3-4 महीने काम करते हो लेकिन तुम्हें पैसा कुछ भी नहीं मिलता है। इन बंदे को लगता है यार कि यार ठीक है हमें करना चाहिए, हमें चीज़ों को सीखना चाहिए, तो वो यार जा सकते हैं। लेकिन यार जिनका मोटिव ये है कि यार हमें तो पैसा चाहिए भाई तभी हम जाएंगे, हम हमारी कुछ अर्निंग होनी चाहिए, तो वो बंदे यार अवॉइड कर सकते हैं इसको भी। तो तीसरी टाइप की इंटर्नशिप है यार वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि यार तुम काम भी करते हो और रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट तुम्हें मिलता है, मतलब कंपनी की तरफ से तुम्हें पैसा भी मिलता है, ठीक है। तो ये वाली जो इंटर्नशिप है ये सबसे बढ़िया है। सब कुछ समझ में आ गया भैया कि इंटर्नशिप होती क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या हैं और स्किल्स क्या क्या चाहिए,
सब कुछ समझ में आ गया, बट जब आपके पास स्किल्स आ गए तो हमें अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन, ठीक है, कहाँ से अप्लाई करना है वो आपका भाई बताएगा, और 100% गारंटी देता हूँ कि तुम अपना रिज्यूमे सही से उस कंपनी के साथ अटैच करोगे जहाँ पे तुम अप्लाई कर रहे हो, तो यार डेफिनेटली मैं पक्का बता रहा हूँ कि तुम्हारा रिप्लाई उनका जरूर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहीं पे तुम्हें सब कुछ डिटेल समझाते हैं, ठीक है, तो आ जाओ फटाफट, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। हाँ तो भाई सबसे पहले आते हैं हम क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पे टाइप करते हैं एंजल लिस्ट। तो यार मेरे को एंजल लिस्ट पर्सनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म लगा, ठीक है, जहाँ से मैंने अप्लाई करा था तुरंत मेरे को उनका ईमेल वगैरह आ गया था, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म लगा। तो हम सबसे पहले लिंक पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर तुमको डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर सर्च बार में तुम अपनी स्किल को टाइप कर सकते हो, ठीक है, जो भी तुम्हारे पास स्किल है, लाइक वेब डेवलपमेंट है तो तुम वेब डेवलपमेंट डाल सकते हो। तो जैसे ही वेब डेवलपमेंट डाल के एंटर मारोगे तो नीचे यार तुम्हारे पास बहुत सारे इंटर्नशिप आ जाएगी, ठीक है, तो जैसा कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, जैसे कि असेंबली एआई रेजेस, ठीक है, तो असेंबली एआई रेजेस जो है ना ये भी एक तरह की कंपनी है, तो जिसमें तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि जो इनका स्टाइफंड वगैरह है वो है यार 70K to 11K, ठीक है, तुम अप्लाई वगैरह कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, तुम्हें अप्लाई का ऑप्शन भी दिख रहा होगा साइड में, और इसी तरह से यार सारी कंपनियां वगैरह हैं, तुम जिसमें चाहो उसमें अप्लाई कर सकते हो इजीली, जैसे कि ये भारत एक्स जो है तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, और मटेरियल डिपॉट जो है इसमें भी अप्लाई कर सकते हो वेब डेवलपमेंट के लिए है, और यहाँ पे तुम देखोगे कि जो स्टाइफंड है 1 लाख to 1.5 लाख है, तो काफ़ी तगड़ा स्टाइफंड है यार इसमें, तो तुम इन सब चीज़ों में अप्लाई कर सकते हो एक बार जब तुम्हें स्किल्स आ गई तो, ठीक है। तो एंजल लिस्ट यार पर्सनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म लगा जहाँ से मैंने अप्लाई करा था और मेरे को तुरंत उसका ईमेल आ गया था, तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइज, तो आई होप कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया डिटेल में, ठीक है, कि कैसे हमें अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, मैंने सब कुछ अच्छे से बताया। अगर अब भी तुम्हें इंटर्नशिप को लेकर कोई भी डाउट है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, अगर कोई भी डाउट्स वगैरह आ रहा है तुम्हें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।